हाय गाइस, वेलकम टू आना किचन टूर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो हमेशा की तरह आज भी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही जो है इजी है और बहुत ही यम्मी है। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं इसको बना रही हूँ, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए गाइस, मैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही कम और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने लिया है गाइस, छोटी एक प्याली जो है मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर इसको काट लिया है। टमाटर मैंने लिया है बड़े साइज़ का, इसको भी पील ऑफ कर लिया है मैंने, छिलका उतार कर काट लिया है इसको। उसके बाद मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी काट लिया है। ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। तो उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच है ये। इसके बाद हमने लिया है चिली फ्लेक्स, ये भी 2 टीस्पून के बराबर है। टर्मेरिक पाउडर है, इसको भी हम 1 टीस्पून के बराबर यूज़ करेंगे। और सॉल्ट है, नमक, ये भी 1 टीस्पून के बराबर यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने 3 अदद अंडे लेकर इसको हमने जो है 2 पीसेस इसके कर लिए हैं, मैंने बॉईल कर लिया है इसको मैंने, और इसको मैंने 2 पीसेस जो है वो कर लिए हैं। इसके बाद मैंने ये आलू लिए हैं, 1/2 किलो के करीब ये आलू हैं। इसको अच्छे से वॉश करके हमने इसको काट लिया है। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं अंडा आलू अंडा ग्रेवी। ये बहुत मज़े का सालन बनता है और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए गाइस, मैंने पैन में जो है वो ऑयल मैं डाल रही हूँ। ये एक पैन मैंने लिया है, छोटी एक प्याली कुकिंग ऑयल है। इसमें हम अब प्याज जो हमने चॉप करके कट करके रखे थे, एक बड़े साइज़ की प्याज, ये इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई करके इसमें मसाले ऐड करेंगे। फिर प्याज गोल्डन फ्राई हो गया है गाइस, इसमें अब हम 2 टीस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून के बराबर मैंने लिए हैं चिली फ्लेक्स। इसके बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून के बराबर जो है सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हो। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हम इस मसाले को फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसको फ्राई करते हैं ताकि टमाटर भी गल जाए और मसाला भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। मसाला जो है गाइस देखिए अच्छा सा फ्राई हो गया है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। हमने थोड़ा पानी ऐड किया था इसमें और इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए हमने अच्छा सा फ्राई किया है। ये जितना अच्छा ग्रेवी इसकी जितनी अच्छी से तैयार होगी उतना ही अच्छा जो है ये अंडा ग्रेवी आलू अंडा ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार होगा। अब ये फ्राई हो गया है, इसमें हम आलू ऐड कर देते हैं। 1/2 किलो के करीब मैंने आलू लिए थे, इसको मैंने काट के रख लिया है। ये आलू जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं, सारे आलू इसमें डाल दिए मैंने। अब इसको आलू को इसमें हम फ्राई करते हैं, मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे, आलू अच्छे से फ्राई हो जाए इसमें। 2 से 3 मिनट के लिए गाइस मैंने आलू भी जो है इसके अंदर फ्राई किए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि आलू जो है मसाले में अच्छी तरह से ग्रेवी में जो है और ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाए। तो फिर इसको हम ढक के बनाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसको अभी फ्राई करते हैं हम इसमें। 2 से 3 मिनट के लिए गाइस मैंने फिर से इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, मज़ीद इसको फ्राई किया है हमने ताकि पानी डालकर भी जो फ्राई हमने किया है इसको, ताकि ये अच्छी तरह से जो है इसमें फ्राई हो जाए, मसाले का जो है ग्रेवी जो है वो भी अच्छी से तैयार हो जाए हमारी। तो अब ये फ्राई हो गया है, अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। 3 कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, मुझे ग्रेवी इसकी ज़्यादा चाहिए। ग्रेवी तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी बना सकते हो, मैं 3 कप सिर्फ पानी इसमें ऐड करूँगी।
ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। ये 3 कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, किनारों से भी मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढककर बनाएंगे गाइस। तो इसको हम तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट के लिए ढककर बनाते हैं। ये एक मैंने ढक्कन ले लिया है इसी के साइज़ का, तो 5 से 7 मिनट के लिए हम सिर्फ इसको ढककर बनाएंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाए। मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे इसको। 5 से 7 मिनट बाद गाइस मैंने चेक कर रही हूँ, इसको देख लें, ढककर मैंने बनाया इसको मीडियम फ्लेम पे, तो ये आलू भी जो है वो गल गए हैं। आप देख लें, चेक भी करती हूँ मैं, इसको तोड़ के देखते हैं, गल चुके हैं आलू। ग्रेवी जो है बहुत मज़े की तैयार हो गई है। अब हम इसमें उबले हुए जो अंडे हमने लिए हैं 3 अदद, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ये अंडे मैंने गाइस लिए थे, उबले हुए अंडे हैं ये इसके अंदर हम रख देंगे। हरी मिर्ची मैंने ली थी गाइस, ये मोटी वाली मिर्ची हैं, इसको खाने का बहुत मज़ा आता है, ये बहुत मज़े की लगती हैं। ये तो ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती हैं और खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। दाल में भी अक्सर मैं इसको यूज़ करती हूँ और मुझे हर सब्ज़ी में तकरीबन अच्छी लगती हैं ये। तो अब ये रेसिपी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है तकरीबन। तो इसको ढक कर जो है वो तकरीबन 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको ढकेंगे हम, 2 मिनट के लिए तकरीबन ढक कर जो है बनाएंगे स्लो फ्लेम पे। 2 मिनट के लिए गाइज मैंने इसको अंडे डालने के बाद जो है दोबारा मैंने ढककर इसको रख दिया था। 2 मिनट तक मैंने इसको बनाया है स्लो फ्लेम पे। अब हम जो है इसका, आप चाहो तो इसको और ज़्यादा जो है गाढ़ा कर सकते हो, कम पानी डालकर ग्रेवी अपने टेस्ट के मुताबिक बना सकते हो, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए। और ये हमारा जो है सालन जो है ग्रेवी, मज़ेदार सी आलू अंडा ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। ग्रेवी हमारी जो है गाइस तैयार हो चुकी है, आलू अंडा ग्रेवी। तो ये रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे, अगर आपने कभी नहीं बनाई पहले तो बना के ज़रूर खाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, शेयर करें, कॉमेंट्स करके बताएं, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।